चलो देखे अपना देश किसी एभली थीम नहीं कि अर्गस आरंभ कर टूरिज्म कनक्लेव अनेक अतिथि आम सहित जोड़ी होती आज एभली जड़े अतिथि जोड़ी होती आलोचना करवा जे रही इंट्रोडक्शन से निजे देवे कहीं बोध हुए शब्द से कम पड़ो मो पाखे कथा सहित आलोचना करवा सर थोड़ा ओडिशा के लिए आपका इंट्रोडक्शन उड़ीसा तो ऐसे भी बहुत जाना माना टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे उड़ीसा में अवेलेबल है और छत्तीसगढ़ से सबसे पास में जो स्टेट है वो उड़ीसा है जहाँ पे मेजर डेस्टिनेशन है और नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। हम भी उड़ीसा आते ही हैं घूमने के लिए और हम चाहते हैं कि उड़ीसा के टूरिस्ट और उड़ीसा आने वाले टूरिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में भी ज़रूर आएँ। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मेजर डेस्टिनेशन हैं, वाइल्ड लाइफ, आर्कोलॉजिकल साइट्स, नेचुरल प्लेसेस बहुत हैं छत्तीसगढ़ में। तो हम सभी टूरिस्ट को उड़ीसा के और उड़ीसा आने वाले को हम छत्तीसगढ़ आमंत्रित करते हैं। ये आर्गस न्यूज़ की बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने टूरिज़्म कॉन्क्लेव भुवनेश्वर में किया है। इससे टूरिज़्म प्रमोशन के लिए यहाँ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम एक थाली में बहुत सारे डेस्टिनेशन को परोसने का हमें मौका मिला यहाँ पे। और आर्गस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में सभी टूरिज़्म ने और छत्तीसगढ़ टूरिज़्म ने भी अपने डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए सभी के सामने अपना प्रस्ताव रखा और हम अपने अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और सारा ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे सारे डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। जी, जैसे हम सोच रहे थे कि कोरोना के पीरियड चल रहा था तो सभी अभी टूरिज्म के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो उड़ीसा के लोग कैसे छत्तीसगढ़ जाने में इंटरेस्ट होगा? जैसे आप लोग उड़ीसा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में देख ही रहे हैं कि टूरिस्ट अभी टूरिस्ट फ्लो बढ़ रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी कोविड के प्रोटोकॉल सारे पालन किए जा रहे हैं अभी भी। और हम छत्तीसगढ़ के डेस्टिनेशन में सभी को आमंत्रित करते हैं, आप सभी छत्तीसगढ़ आइए। और मैं यहाँ के टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटेलियर्स और मीडिया के सभी पर्सन को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ आएँ और अपने साथ अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपनी फैमिली को छत्तीसगढ़ डेस्टिनेशन में घुमाने लाएं। सर, उड़ीसा आकर लास्ट रिएक्शन, उड़ीसा आकर आपको कैसा लग रहा है और इस कॉन्क्लेव कैसा लग रहा है? नो डाउट कॉन्क्लेव तो बहुत अच्छा है। आर्गस की टीम ने बहुत अच्छा एक टूरिज़्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। ऐसे आयोजन और भी आगे होने चाहिए, इससे डेफिनेटली टूरिज़्म का प्रमोशन होगा, उड़ीसा का प्रमोशन तो होगा ही, साथ में जितने भी नेवर स्टेट हैं और भी स्टेट टूरिज़्म का भी प्रमोशन इसमें होगा और लोग उस डेस्टिनेशन की ओर आकर्षित होंगे, उस डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे और निश्चय ही उस डेस्टिनेशन में जाने का प्लान करेंगे। आपण शुणुले जे आम सहित राकेश मिश्रा जी आम सहित उपस्थित थे जे कि छत्तीसगढ़ मार्केटिंग टूरिज्म मार्केटिंग रो हेड थे कहते जे ओडिशा रे अपार संभार अच्छी, आम केवल प्रयास करवा दरकार जे ओडिशा को भारत सहित एवं भारत को ओडिशा टूरिज्म सहित मिसेबार अच्छी। शुणुले राकेश शर्मा जी को।